नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लगाने जा रहे हैं पेन का इंजेक्शन। तो आज हम पेन के दो इंजेक्शन मिला के लगाएंगे। इसके लिए हमें दो इंजेक्शन चाहिए और सरिंज चाहिए और हमें कॉटन चाहिए जहाँ पर हम लगाएंगे वहाँ पर उसे कंटेमिनेशन करने के लिए। तो दोस्तों पहले हम सरिंज को निकाल लेंगे। इस तरह से हम सरिंज को चेक कर लेंगे और कॉटन कॉटन स्वैब को हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें थोड़ा सा कॉटन चाहिए। दोस्तों पहले हम एक इंजेक्शन को भरेंगे। तो इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले नीडल को ऐसे रख के हम इस तरह से इंजेक्शन को लगाएंगे और इस तरह से हम इंजेक्शन को भर लेंगे। ताकि आपके हाथ में नीडल ना लगे। दोस्तों और इस अम्पूल को तोड़ने के लिए सबसे सेफ और आसान तरीका यह है कि आप जो आपका सरिंज का कवर है उसे इस तरह से लगाएं। जो जहाँ पे जो इस तरह के इंजेक्शन होते हैं ये हाथ से टूट जाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये इंजेक्शन नहीं टूटेगा। इस तरह से ये इंजेक्शन टूट जाएगा। और इंजेक्शन अम्प्यूल तोड़ने के तरफ जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है उसको हम थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे ताकि जो हमारा इंजेक्शन है वो सारा हम निकाल लें। ध्यान रखेंगे कि दोस्तों अगर हमारी आगे से नीडल टेढ़ी ना हो। इस तरह से हम चेक करेंगे जब हमारा जो इंजेक्शन होगा इसमें जैसे ये एयर बबल्स हैं तो इन एयर बबल्स को हम निकालेंगे। इस तरह से हम एयर बबल्स को निकालेंगे और थोड़ा सा इंजेक्शन को निकाल के देखेंगे कि इंजेक्शन में कोई एयर नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं कि तैयार हो गया है कि इसमें कोई एयर बबल नहीं है। तो हम इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई एयर बबल ना हो। ये हमारा कॉटन स्वैब है तो ये हमारा तैयार है। जहाँ पर हम लगाएंगे वहाँ पर हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। जैसे ये हमारा हम इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाने वाले हैं तो इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो। कैप को हम रिमूव करके इंजेक्शन को हम बिल्कुल सीधा लगाएंगे। जैसे ही हम इंजेक्शन लगाएंगे इस तरह से हम इंजेक्शन को लगा देंगे और इंजेक्शन को पीछे खींच कर देखेंगे कि इसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है। तो फिर हम इंजेक्शन को धीरे धीरे करके ऐसे इंजेक्शन को लगा देंगे और इंजेक्शन को सीधा निकाल लेंगे। थोड़ा सा 5 सेकंड तक थोड़ा मलेंगे ताकि इंजेक्शन फैल जाए, ज़्यादा नहीं मलेंगे। और इस तरह से हम इंजेक्शन को लगा दिया है हमने। और इंजेक्शन को जब लगा लें तो इंजेक्शन को इस तरह से डिस्कार्ड कर दें तोड़कर ताकि कोई यूज़ ना कर सके।